स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज का पवित्र स्थान है ये, और मैंने तीन दफा राधा स्वामी बोला, बताऊंगा क्यों बोला ये भी बता दूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं होशियारपुर मानवता मंदिर परमदया जी महाराज के दरबार से आपकी सेवा में आया हूँ और कुछ कहने के लिए आया हूँ। ये शिवरात्रि का सत्संग है, सत्संग लक्षणबाजी नहीं है। सत्संग किसको कहते हैं? जिसमें सत्य के साथ तुम्हें मलाया जाए। बात समझना, मेरी बात को गौर से समझते रहना। जहाँ सत्य किसको कहते हैं? सत्य जो सदा रहता है, जो सदा रहने वाली चीज है, उसके साथ मैं तुम्हारा मेल करवाने आया हूं। और वो मुझे कहां से मिला? वो दाता दयाल जी महाराज की जो शिक्षा, उसकी खोज करने से मिला। सतगुरु बाबा परमदयाल फकीर जी महाराज की संगत में बैठकर उन्होंने जो भेद थे, जो असलियत थी, उसको बताया। उससे पता चला कि सत्य क्या है और राधा स्वामी क्या है। ये दोनों चीजें मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि हमारी जो जिंदगी है, इसके दो पहलू हैं। दो, एक दुनियादारी है। आप दुनियादार हैं ना सारे, मैं भी दुनियादार हूं। तो जिसकी दुनिया ठीक नहीं है, वो दीन भी प्राप्त नहीं कर सकता। पहली बात आपको ये बता दूं, हमें बहुत दुनिया भटकाती है, ये करो वो करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वो तो करने से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है, वो तीन चीजें मैं जो समझा हूं परमदयाल जी महाराज के इस दरबार में बैठकर। पहले शारीरिक रोग नहीं होना चाहिए। शरीर ठीक नहीं है तो आपका मन भी ठीक नहीं रह सकता। आप चिंता से कभी मुक्त नहीं हो सकते। आपको चिंता सताती रहेगी क्योंकि शरीर ठीक नहीं है। ये असली महल ये है, जिसमें बड़े बड़े मकान जो हमारे, वो हमारा महल नहीं है। वो तो कुदरत ने हमें सुख दिया है, कुदरत ने हमें हमारे अच्छे कर्म और अच्छा हमारा विचार, अच्छा मालिक की दया हो गई तो हम अच्छे मकानों में रहते हैं। बात मेरी समझ गए? और असली महल तो ये है, इसमें क्या रहता है उसको जानना वो सत्य है। बात मेरी समझ गए? इसलिए सबसे पहले आपके शरीर का ख्याल करो। शरीर का ख्याल कब रहेगा? जब आप मेरी बात को गौर से सुनते रहना, मैं कोई भ्रम नहीं छोड़ के जाऊंगा आपका। शरीर उसका ठीक रहेगा जो सिर्फ जमीन से पैदा हुई चीज को खाता है। जो माँ की, इस धरती माँ से जो चीज मिली, जो भी चीज धरती माँ से पैदा होती है, अगर केवल आप वो खाते हो, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। शर्त के देता हूं मैं आपको। लेकिन हम वो चीज नहीं खाते, हमने उस धरती से पैदा हुई चीज को भी नया रूप दे देते हैं। हमारे यूपी में तो मैंने कहा, तली हुई चीजें सबसे ज्यादा खाई जाती है और पान मसाला सबसे ज्यादा खाया जाता है। मेरे पास वहां आते हैं होशियारपुर में, मेरे घर में काम किया उन्होंने, मैंने कहा तुम क्या डालते हो मुंह में भी दो घंटे के बाद? सारा कुछ नहीं। मैंने कहा तुम्हें कैंसर हो जाएगा गले का। लेकिन तुम लोग समझते नहीं इस बात को। बात मेरी समझ गए? सबसे ज्यादा हमारी शक्ति क्या? पानी में शक्ति है सबसे ज्यादा। पानी पियो काम करो, पानी पियो काम करो, कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं है। ताकत देता है पानी, ताकत देता है कि नहीं देता? प्यास लगी हो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शरीर को ठीक रखना है। मैं सत्य बात कर रहा हूँ, सत्य सत्य बात। तो पहले सबसे पहले ये सीखो कि हमें खाना क्या है। कोई बाजार की चीज नहीं खाना, बच जाओगे। कोई चीनी ज्यादा नहीं खाना, बच जाओगे। कोई मैदा ज्यादा नहीं खाना, बच जाओगे। और कोई नमक भी सफेद ज्यादा नहीं खाना, बच जाओगे। बात मेरी समझ गए? ये तीन चीजें छोड़ दो। ये नमक जो घर में, इसकी जगह को सेंधा नमक होता है, वो खाओ। काला नमक खाओ तो कुछ नहीं होगा। कभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ये ब्लड प्रेशर ये करता है नमक आपका। और ये चीनी जो है, ये सबको शुगर
मालिक के भजन में आराम से बैठ। भोजन खाना है तो आराम से बैठ कर खाओ, चबा चबा कर खाओ, कभी बीमार नहीं होगे। बात मेरी समझ गए। तीसरी बात ये है कि फिर हर हलाल की कमाई करो, उसमें धोखा मत करो। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बने हैं? तुम्हारे लिए बने, क्योंकि तुम्हारी कमाई ठीक नहीं है। आप लोगों की कमाई ठीक नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे ताया जी का लड़का पुलिस में भर्ती हो गया, मेरे से एक साल बड़ा था। पुलिस में वो इंस्पेक्टर बन गया, गाड़ियों के चेकिंग पर जाना, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया। तो आपको पता ही है, कोई नहीं छोड़ता है। उसकी वाइफ को अधरंग का अटैक हो गया। मैं गया खबर लेने के लिए, मैंने कहा भाई ये भाभी बीमार क्यों हुई है? कहते पता नहीं, ऐसे ही टेंशन हो गई और ब्लड प्रेशर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहा तुम जिम्मेवार हो। उसको मैंने बोला तुम जिम्मेवार हो। क्यों जिम्मेवार हो? कि तुमने तनख्वाह तो मिलती थी, उससे ज्यादा हराम की कमाई ज्यादा की है और वो तो खर्च होनी थी, इधर से दो तीन दिन देना पड़ेगा तो ये ठीक हो गई। तो पैसा खत्म हो गया ना, और भी तेरा पैसा ले गया। कहता हाँ वो भी। मैं क्या कभी भी जिंदगी में ये काम नहीं करना, मुझे पता। क्या कहता है? आप लोग प्रोफेसर या फिलोसफी की बात करते हैं, नहीं कमाए तो गुजारा कैसे होगा? पैसे कमा ले थे तो मैं पति का इलाज करवा लिया। मैंने कहा कमाया ना होता तो पति बीमार ही नहीं होती थी। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा हक हलाल की कमाई खाओ। क्या कहा मैंने? तीसरी बात करने लगा हूं। मैं यूपी में काफी जगह जाता हूं। हमारे यूपी में एक बहुत ज्यादा जबरदस्त बात यह है कि पैसे कम बच्चे ज्यादा। पांच पांच बच्चे हैं आप लोगों के घरों में, आप क्या उनको पढ़ा सकोगे? अपने आप से पूछो, क्या आप उन बच्ची खुला दे सकोगे? क्या आपकी इतनी कमाई है? क्या उनकी शादियों पर तुम इतना पैसे खर्च कर सकोगे? अरे कुछ अकल करो, अपना भी बर्बादी कर रहे हो, साथी की भी बर्बादी कर रहे हो, बच्चे भी तुम्हारे नालायक निकलते हैं। दो बच्चे पैदा कर लो, तीन कर लो, बस उसके बाद छुट्टी करो। क्या कहता हूं मैं, क्यों इतने बच्चे पैदा करते हो? मेरे बाप दादा सतगुरु बाबा फकीर ने कहा हक अच्छी औलाद दो बच्चे बहुत हैं, अच्छी औलाद पैदा करो। ये औरतें हमारा साथी है, ये औरतें हमारा बायां हिस्सा है। ये औरतें इसलिए नहीं है कि बस बच्चे पैदा करो ना, ये गलत है। आपके यूपी में जिसने बहुत गलत देखा है, ये नहीं होना चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे उतनी गरीबी ज्यादा होगी। मैंने एक बात की, मेरे घर में काम करने के लिए आए हुए थे, मैंने कहा तेरे कितने बच्चे हैं? बाबू जी पांच बच्चे हैं। मैं कह इतने क्या करने थे बच्चे, क्या बात होगी इतने बच्चे तुम सारे ये? कहते अब ज्यादा है तो ज्यादा कमाई कर लेते हैं। अब बताइए वो कमाई कौन सी? मिट्टी की, मजदूरी की। वो क्या पढ़ पाएंगे कि नहीं? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए तीसरी ये बात कह दी आपको, ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। और चौथी बात एक बात कह देता हूं, मैंने देखा है बुरा नहीं मानना किसी ने, बात सच्ची कहूंगा, हमें हमारे धार्मिक जो नेता है, गुरु है, आचार्य है, पंडित है, कोई भी है, उन्होंने हमें बड़े भ्रम में डाला हुआ है। हमें पूरा लूट रहे हैं भ्रम में डालकर, अब तुम वहां जाओ, अब तुम जहां वहां जाओ, अब तुम ये करो, अब तुम जो करते हो ना। और आपके घरों में कितनी कितनी मूर्तियां लगी हुई हैं, सब मूर्तियां देवताओं की लगी हुई। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे एक बहुत प्रेमी, ये जानते हैं हमारे छोटे लड़के, उनके बड़े लड़के की फोन रात को 9 बजे फोन आया। मेरे बेटे ने उठाया, कहता नाना जी से बात करा दो, बच्चा मैं बहुत दुखी हूँ। ओहो, मैं कहा तू विनोद बोल रहा है? हाँ जी नाना, हमारा तो घर तबाह हो रहा है नाना जी। मैं कहा क्या हो गया? मैं भी डिप्रेशन में, मेरी पत्नी भी डिप्रेशन में, मेरे भाई भी डिप्रेशन में। मैं क्या ऐसा क्या बात है? तुम्हारा तो काम ही बहुत
गुरु का नाम भी बता दिया, मेरी भी बता दी फोटो में, आपकी भी लगाई थी महाराज, भगवान शिव की भी फोटो है, राम जी की भी फोटो है, और एक दो माताएं जो हम मानते हैं उनकी भी फोटो है। मैंने कहा तुम्हारे घर में शांति नहीं हो, तुम कितने घर के मेहमान बने हुए हो, बहुत घर का मेहमान भूखा रहता है ना, कहावत है, अब तो कौन देगा, ये तो अपने आप में लड़ते हैं, लक्ष्मी देवी देवता लड़ रहे हैं ऊपर। क्या कहा मैंने, अगर किसी को भी मानते हो मानो, मगर एक को मानो, बाकी सब को छोड़ दो, एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, सबको मानोगे तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जब मैं सबको देता हूँ मुझे पैसे चाहिए थोड़े, मैं छोटे लाल जी को कहता छोटे लाल जी थोड़ा और थोड़ा भरना पड़ता है ना, छोटे लाल जी आज मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो ये कहेंगे पैसे तो हैं पर लेकिन शाम को मिल सकते हैं, मुझे अभी चाहिए। मैं फिर आत्माराम जी के पास चले जाऊँगा, आत्माराम जी 10,000 रुपया चाहिए, अगर आप दे दो तो बड़ी अच्छी बात है, कि तो वो पैसे तो थे पर लड़का ले गया, फिर 34वें के पास गया, फिर 4थे के पास गया, फिर 5वें के पास गया, तो वापस आ गया, पैसे नहीं मिले कहीं से, तो छोटे लाल जी इनसे मिले। छोटे लाल जी कहते वो आज 10,000 पैसे मांग रहा था, कहते मेरे से भी मांग रहा था यार, तो तीसरा आ गया कहता मेरे से भी मांग रहा था, ये हमें लूटना चाहता था। मेरी बात समझ गए, एक को मानो, जो देवी को मानते हो, मैं बुरा नहीं मानता, मैं तो किसी को मानता नहीं, मेरे तो एक परम दया है और कुछ कोई नहीं। बात मेरी समझ गए, मैं किसी देवी देवता परमात्मा को नहीं मानता हूं, क्यों क्यों नहीं मानता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। मैंने ठीक कहा, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु सबसे बड़ा है, गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात है, तो मैं फिर किसको मानूं, गुरु को छोड़कर तुम कहां जाते हो, तुम ना दुनिया के रहते हो और ना दीन का रहते हो, इसलिए मेरे देश में तुम भगवान का, भगवान राम का कोई गुरु नहीं था, उनका गुरु विशेष था, भगवान कृष्ण का गुरु नहीं था, उनका भी गुरु संदीपनी था, ऋषि गुरु थे और कौन था, महाभारत को देखो कितने गुरु बैठे वहां, हमने वो गुरुओं से हटा दिया। और दूसरा मैं दावे से कहता हूं, जो गुरु हमें मिले भी वो भी देवताओं से भी आगे निकल गए, वो भी हमारे काम नहीं आए, जाओ नाम ले लो और चढ़ावा चढ़ाओ तो कर लो जाओ, गुरु ने किसी घर नहीं कर सकते। मुझे गुरुओं के चेहरे सुनाते हैं, मैं पूछता हूं तुम अपने गुरु को जाकर बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कहते तो मिल ही नहीं सकते महाराज, तो उस डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, उससे दवाई क्यों लेनी जिससे आप बात नहीं कर सकते जाकर, बताइए मुझे, डॉक्टर वो भी अच्छा होता है जिसकी दवाई ही उसको जाकर बताया, मुझे कितना फायदा डॉक्टर साहब, ये होया जो तभी बात बनेगी, तभी तो ये ला जाएगा, कि मुझे थोड़ी दवाई ले ली और बस जी जाओ हो खुशी, मध्यस्थ में तुम्हें गुरु ले जाएगा, ये भ्रम है। मैं कहता हूँ मध्यस्थ में किसी को गुरु लेने आ गया, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं वो कृष्ण लेने आ जाएगा, जो देवी को मानते हैं उनको देवी लेने आ जाएगी, जो राम जी को मानते हैं उनको राम, तो फिर तुम्हारा कल्याण कौन करेगा, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपनी कमाई हक हलाल की करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। मैं 18 साल का था, मैं परमदयाल जी महाराज के दरबार में आया, क्यों आया वो भी बता देता हूं, मैं दर्द दिल से कह रहा हूं, मैं 6 साल या 5 साल का था, तो मेरा जो गांव में घर था वो सड़क के किनारे था, तो मैं बच्चा था, मैंने तो किसी को मरते देखा नहीं था, किसी को जलाते भी नहीं देखा था, तो एक दिन मैं स्कूल से आया, तो हम स्कूल से आकर पशु ले जाते थे छोड़कर ना, फड़के आना बच्चा जा भैंसों को चला दे, चल जाना लेके,
और साथ किताबें भी उठा लेंगे, आप पढ़ते रहना, ऊपर से सुनते रहना। तो क्या देखा कि मेरे गांव के एक आदमी का मौत हो गया, तो उसको लेकर आ रहे चार आदमी, उसके आगे एक आदमी आग लेकर चला हुआ है और पीछे औरतें रो रही हैं, आदमी भी रो रहे हैं। उस सीन को मैं देखकर डर गया, तो क्या हो गया? फिर मैं देखने लगा कि क्या करते हैं ये, बच्चा था ना, तो उन्होंने लकड़ी लगाई, लकड़ी लगाकर उसमें उसको रखा और उसके बाद आग लगा दी और मैं डर गया। हाँ, बंदा मार जला दिया उन्होंने, ये तो कल जहाँ था जला दिया। वो सीन मेरे आंखों के मेरे अंदर उतर गया। तो मेरी माँ आई, मैंने माँ को पूछा, माँ वो उधर नाम मेरे मुंह को लग गया, मैं क्यों मर गया, उन्हें की होया, उन्हें अग से लाता, उन्हें की होया, उन्हें क्यों अग से जलाता, कल तो ठीक था। कहती बच्चा वो मर गया। मैं क्या मर गया, कहाँ गया? परमात्मा के पास चला गया, मुझे परमात्मा का नाम ही नहीं पता था। मेरी बात को गौर से सुनते रहना, तो मैं कुछ देने आया, वो परमात्मा के पास चला गया। फिर तीसरा सवाल किया, माँ वो मरिया क्यों? वो बूढ़ा हो गया। हाय बूढ़ा हो गया, तो माँ तुम्हें जब बुढ़ी बुरी तभी मर जाना। तो मेरी माँ ने जब फिर पा नहीं बच्चा मैं था जो तुम्हें पढ़ा रहा है, मैं भी हटा। चल ये बात खत्म हो गई। रात को सो गए, दिया होता था, फूक नहीं मारते सीधी में, कह फूक नहीं मारती, ऐसा बजा के बजाता। मैं लेट गया, सारे सो गए अपने, तो मैं उठ के डर के बहुत रोया। मैं डर लगा लो सीन आ गया, आदमी को आग लगा दी, मैं बड़बड़ रोया, ताखा मार के रोया, मैं बहुत रोया। माँ मेरी दौड़ी आई, कहती मेरे पकड़ा, माँ बच्चा क्या होया, तेरे पेट से दर्द होती है? मैंने नहीं, तू सुर दुख का बच्चा? मैंने नहीं, तो फिर तू रोता क्यों है? मैं कहा माँ मैंने ये दस के बंदा मरता क्यों है, ये क्यों मर गया, तैं भी क्यों मर जाना, तो मैं भी मर जाना। तो मेरी माँ ने उसने दो गल कही, सुनो मेरे ध्यान दे ला पंजाबी में, बच्चा शाह बिना पत नहीं, शाह बिना पत जाते इज्जत, शाह के पुत्र को पैसे नहीं, कुड़ी का ब्याह करना, उतो पैसे ले आओगे ब्याह हो जाऊगा, पत बच जाएगी ना, सारी इज्जत बच गई। शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं, गुरु तो बगैर बेटा इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, गुरु एक गुरु का दस सकता। उस वक्त मुझे गुरु का संस्कार मिला, उस वक्त मुझे परमात्मा का संस्कार मिला, उस वक्त मुझे मरने का भी संस्कार मिला कि याद रहना नहीं। अब शुरू हो गई मेरी दौड़ शुरू हो गई गुरु को ढूंढने की, पढ़ता पढ़ा, अगर बैठ जाना अकेले बैठ जाना, भगवान को कहना मैंने गुरु मना दे, मैंने गुरु मना दे, मैंने गुरु मना दे, मेरी बात समझ गई ना, डिमांड बच्चे की होंगी ना, किसी ने दसना नहीं। पर गुरु कितने मिले, दसवीं च हो गया, दसवीं च हो गया तो मैं क्या हूँ, मैं रोटी नहीं खाने जाता, मेरे गुरु नहीं देता, मैंने रोटी खानी, मैं रोटी छोड़ देती। दो दिन हो गए माँ ने क्या भुख लगी, आपे खा लेंगे, नहीं खाती। तीन दिन हो गए, चार दिन हो गए, पाँच दिन हो गए, मेरी माँ बहुत परेशान, मैंने कहना बच्चा थोड़ी देर दूध ही पीला, मैं क्या गुरु मिलना था पीना, पर लेकिन माँ ने, मेरा पिता तो होशियारपुर काम करता था, वो भी आ गए एक दिन ऐतवार, कहने पुत्र रोटी खा ला, गुरु तेन मिल जाएगा। पर मैं मनिया हाथ जितना बच्चे का हाथ होंगे ना, तो मेरे गाँव च गुरुद्वारा है, उत्थे एक संत सी बहुत अच्छे करमदास जी, मेरी माँ उन्होंने गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना माता, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। उनको लेकर कहते मेरा बेटा रोटी नहीं खाते महाराज, कहते गुरु मिलने, वो आए छह फुट लंबे, वो बहुत अच्छे संत थे। सुबह उन्होंने गांव में जाना, एक घर से सिर्फ दो रोटी लाना, उससे ज्यादा ऊपर कोई दाल डाल दे, कोई सब्जी दे दे, कोई साग दे दे, लाके खा ली, रात को भी दो रोटी खा ले, अच्छे संत थे। वो आ गए, मैंने मंजे से बिठा लिया, मेरे कंधे साथ रखे, कहते बच्चा तू रोटी क्यों नहीं खाता? मैं क्या बाबा जी मैं गुरु बना, गुरु मेरा बन जाओ, मैं रोटी खा लेनी है।
कहते मैं तो बेटा गुरु नहीं मानता, पर गुरु तेन मिल जाएगा। रोटी खा रोटी खाना पंजाबी च उन्होंने गल कही, कहते अन्न छोड़ करे पखंड ना वो सुहागण ना वो रंग। समझ गए, जिहड़ी रोटी छड़ के कहते ना परमात्मा मिल जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं मिलना ना, रोटी छोड़े वो नहीं मिलता। महात्मा बुद्ध ने नहीं खाया कुछ भी और फिर आखिर में खाना पड़ा, तब उसको ज्ञान बनने को नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा, बच्चा तू इसे करे कर, जिसे तेरे को स्कूल तो टाइम आया मेरे को पानी में आया कर गुरुद्वारे, मैं तेरे गुरु दसूंगा। अब पंजाब तो संतों की गुरुओं की धरती है, वहाँ तो गुरु की बात होती है, वहाँ तो ग्रंथ की बात होती है, वहाँ तो चुपट्टी की बातें होती है। और दुर्भाग्य ये है, यूपी का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ कबीर जैसे संत पैदा हुए, रैदास जैसे संत पैदा हुए, महर्षि शिवरतलाल जी महाराज जैसे ऐसे संत यहाँ पैदा हुए जिन्होंने 4000 से ज्यादा किताबें लिख दी, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि दादा जी जहाँ पैदा हुए दुनिया उनको पूछती है, मुल्कों में उनका नाम है, विद्या में उनका नाम है, उनको माना जाता है कि वो एक हस्ती थे, वहाँ लिखा हुआ है। फर्क आ गया, अपने दादा दादा ने जब छोड़ा, शहर हो गया हूँ मैं उड़ रहा हूँ जा रहा हूँ। याद रखोगे अच्छी बात है, भूल जाओगे तो कोई गम नहीं। क्या कहा, मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं चलता रहा, उन्होंने गुरु की बात बतानी बेहद डिमांड मेरे सप्लाई, ये मेरे दादा परम दयाल जी महाराज कहा करते थे, जहाँ चार वहाँ राह, where there is will there is a way, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, where there is demand there is supply, एक चीज मांगो मिले, लेकिन मांगने का ढंग और होता है, वो भी बता दूंगा मैं। चलो मालिक की मौत हुई, मैं 12वीं में हो गया, 12वीं में एक सज्जन हमारे घर आया, जब किसी चीज की खोज होना तो कुदरत बड़ी मदद करती है, कुदरत बहुत बेअंत है, वो तुम्हारे साथ रहता है गुरु, जो कहते गुरु नहीं रहा उनको पता ही गुरु की हस्ती क्या है। बताऊंगा भी आपके साथ चल रहा हूँ मैं, बोलूंगा थकना नहीं है, रोटी मिलेगी तुम्हें, मैं बोलता थकता नहीं हूँ। वहाँ मेरे घर में एक आदमी आया, उसकी बहन मेरे गांव में आई हुई थी, मेरे माता पिता के मुबाकर थे, तो मैं बैठा पढ़ रहा था, 12वीं क्लास में था, तो उससे पूछा मेरे पिता को, काका की कर रहा है, पंजाबी में समझ रहा है ना मेरी बात, तो कहते काका पढ़ रहा है, कितने कॉलेज पढ़ता, कि कॉलेज ऐसी कॉलेज कैसे जाता है, साइकिल पर 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर जाना, ये तो थक जाता होगा, तो मेरी दुकान है कॉलेज के बिल्कुल साथ है, नज़दीक है, 2 कमरे ऊपर खाली पड़े हैं, इसको कहो वहाँ आ जाए करे और वहीं रहे, बिजली का कोई खर्च नहीं, पानी का कोई खर्च नहीं, तो रोटी ये बड़ा भाई बचा दिए करे, मेरा भाई कहता हम रोटी बचा दें, असी बिस्तरा चक्के जाके कमरे से लाता, मेरे बाप कुदरत। जब इतवार का दिन आया तो ये तो बिल्डिंग के इधर बिल्डिंग थे इधर बीच में पौड़ियाँ थी, तो इतवार को क्या देखता हूँ कि उन्हें पौड़ियाँ कुछ औरतें ऊपर मुआ रही हैं और कुछ आदमी भी आ रहे, मैं क्या पता नहीं क्या बात है, ये इधर क्यों आ रहे हैं, तो दरवाजा खुला हुआ है, अंदर जा रहे बैठे जा रहे बैठे जा रहे, मैं क्या कुछ गड़बड़ है, मैं देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक गाने की आवाज आई, शब्द कोई गा, मैं कहा ये कोई गुरु की बात कर रहे हैं, मैंने भी अपने कमरे को बंद किया और मैं आगे कमरे में चला गया, तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे, वो कहता बेटा ये सिर नंगा ना, ये टोपी से ते जा रहा, उन्होंने मैं टोपी दे दी, मैं ओके ओके बह गया। ऐसा ही वो एक लकड़ी का तख्त बने वे एक बुजुर्ग बैठे थले के बैठा बंदा शब्द पढ़ता, तो उन्हें सत्संग दिता और वो भी गुरु ने महिमा गाई, गुरबाणी चो गुरु ने महिमा गाई, सत्संग खत्म हो गया, औरतें में कोई 50-60 लोग होंगे, उस वेले ब्यास के सत्संग भी ज्यादा नहीं थे, 1956 की गल दस रहा मैं तुम्हें, 1956 अब
में से कई पैदा नहीं हुए होंगे। तो जब सत्संग खत्म हो गया मैं उस बुजुर्ग के पास गया, मैं अपनी बीती बता रहा हूं और वो ही बताऊंगा जो सत्य है, और उस सत्य की खोज में मैं कहां पहुंचा वो मैं अंत में बताऊंगा, क्या मिला मुझे वो भी बताऊंगा। मैं क्या बाबा जी नमस्कार, कहते आओ बच्चों। मैं क्या बाबा जी मेरे कुछ सवाल है, तुसी उन्होंने जवाब दे दोगे। वो कहते बेटा नहीं सानू हुक्म नहीं है सवाल दे, मैं तो गुरु की गल करनी सी, ठीक है ना, ते बच्चा सानू तो आगे नहीं है सवालों का जवाब देने की, तो सवालों का जवाब गुरु दे सकता। वाह, मैं तो गुरु कहाँ है, कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा गुरु ब्यास मिलेगा, ब्यास। मैं क्या बाबा जी ब्यास कितने है, मैं पिंड का रहने वाला। कहते बेटा कहीं जलंधर गया? मैं क्या बाबा जी मैं जलंधर भी नहीं गया, मैं देखा ही नहीं जलंधर। कहते अच्छा, जलंधर तो अगर करतारपुर है, करतारपुर तो अगर ब्यास का स्टेशन आता, उसे उतर के 2 किलोमीटर से साढ़े गुरु का थान है। मैं क्या वो मैं मिल जाएंगे? हाँ बच्चा तेन मिल जाए। मैं बड़ा खुश होया गुरु मिल जाए। दूजे दिन शाम को दौलत राम जरा दुकानदार से वो मैं शाम को मिल के घर जाता है, अपने घर जाना पहले मैं पूछना बच्चा कोई चीज की जरूरत नहीं निकलना नहीं। मैं क्या दौलत राम जी बैठो तुसी कहीं ब्यास गए? कहते काका की गल। मैं क्या उसे पता लगा गुरु जी रहने? कहते हाँ ले। मैं तो उन्होंने तो नाम लिया है, मैंने एक चीज का होर पता लग गया, नाम नहीं मिलता। मैं क्या मैनू गुरु जी ने मिला क्या एतवार है ना उस दिन भंडारा आया, उन्हें सत्संग नहीं गया, आंदा एतवार भंडारा आया। तो तू कहकर सवेरे तैयार हो गई इतों 7 बजे गड्डी च असं बहना, 9 बजे पहुंचना सत्संग तेन चलो गुरु मिला दे। मैं तो तड़के उठे त्यौहार बिल्कुल है, एतवार का दिन घर नहीं गया तो वो आ गया, असं इतने पहुँच गए। बड़ा टाइट लगा कुछ ज़्यादा लोग नहीं सी, जिन्हें तुम बैठे उदो इन्ने लोग से सत्संग ज़्यादा नहीं सी। तो एक आदमी पगड़ी बनी हो तो शब्द पढ़ लिया, अंदर महाराज जी ले गया। कोई 10 मिनट बाद महाराज जी आए, बाबा चंद सिंह जी महाराज। मैं उनका सत्कार करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका चेहरा जब मैंने देखा, सफेद दाढ़ी, सफेद पगड़ी, सफेद वस्त्र, ऐसा चक्कर पाई उन्होंने मत्था टेक के आके, मैं बड़ा खुश होया। मैं कहना गुरु मिल गए भाई, मौजें ला गए हूँ, डट के गल करूँगा बात समझे। तो सत्संग हुआ, सत्संग में उन्होंने भी गुरु की महिमा गाई। मैं क्या ये भी गुरु की महिमा गाई है, मतलब गुरु हो रहा कोई क्या कारण है? बच्चा था ना, सत्संग खत्म हो गया और लाइनों में लग गए, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठ गए और अगे फुलियाँ पतासे लग गए, बंदे खड़े हो गए, प्रसाद लो महाराज के दर्शन करो चले जाओ। मैं भी लाइन च लग गया, मेरे अगे जो आदमी ने कहा भाई साहब बाबू जी मैं महाराज ने गल करनी है, हूँ मेरे घूर घूर के जाने गुस्से ना देखा छोड़ा महाराज ने गल करनी, उन्हें मन चाहिए होनी ना। तो मैं सहम गया, मैं क्या कमाल है, मैंने मेरे कुछ कहा नहीं, और पिछले आ गया था कक्का अगे चल के चल चलो वो पतासे रहे हो कितने। मैंने मैं महाराज जी वाल देखता भी महाराज जी मेरे कुछ कह, मैंने कुछ नहीं कहा। लाइन तो अगर निकल गया, चलो भुख लगी हो। मैं बंदे ने पूछा, मैं क्या सवेरे मैं बगैर रोटी खाते गए सी, लंगर च 2 फुलके खाए और मैं एक गाना गाया, आया था आस लेकर बेआस हो चला, मैं तो आस लेके आया सी, बेआस हो बेआस में आस खत्म हो गई। वाह, वक्त याद आता है आके अपने कमरे में मार के रोना, तड़फ गया, तड़फ के रोया, बहुत रोया अपने कमरे में, अख में बहुत रोया कि मैं इतना बड़ा पापी हूंगा कि गुरु ने मुझे बुलाया नहीं, इसका क्यों नहीं मुझे बुलाया कि मैंने कोई पाप किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत रोया, रोता रहा। 2 घंटे के बाद दौलत राम आया, कक्का मैं तेन उसे लगता, मैं तो परेशान हो गया। मैं क्या दौलत राम मेरा दिल टुट गया,
मैं बड़ी आस लेकर गया सी कि गुरु मिल गया मैनू। मैं 6 साल का तप रहा सी ते मैं बड़ा खुश था। अब अगली बात सुनना। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहता काका गल सुनो, तेरी भुख बहुत बड़ी है। बात सुन रहे, तेरी भुख बहुत बड़ी है और तेरा गुरु या तेरी इस भुख को दूर करने वाला एक बाबा है, उन्हां दा कोई गेरा नहीं। वो महीने च सत्संग देंदे जेठे अथवा और अपने दोस्त के घर वो सत्संग देंदे आ, 8 बजे आ जाते हैं और उस तो बाद सत्संग दे के अपने घर चल जाते हैं। तेरी भुख वो पूरी करेगा। मैं कहा दौलत राम तेरा भला वो मैनू बना दे। कहता तू चिंता न कर बच्चा, मैं सुबह 7:30 आया और असी 8 बजे उत्थे पहुँचना। अब सुनना गौर से, मैं सुबह उठा 4 बजे, नहा लिया, कपड़े डाल के बैठ गया। अब मैं गुरु को मिलने जाना है, अब मैं गुरु को मिलने जाना है। मेरी बात समझिए, चाव होता है, अंदर की कशिश होती है, अंदर की डिमांड होती है, अंदर की इश्क होता है, उसको मिलने के लिए जिसने मुझे ये रास्ता देना था वो आ गया। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैं कैसे अपने सतगुरु बाबा फकीर के पास पहुंचा वो बताया मैंने आपको। गलियां पहले ऐसे गली, फिर ऐसे गली, फिर आगे गली, फिर ऐसे गली, जब आखिरी गली आई, आखिरी, मैं पहले उसके पीछे था, आखिरी गली में मैं उसके आगे हो गया। मुझे नहीं पता मैं क्यों हुआ और सामने बाबा फकीर जी बैठे हो काफी, अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा, मेरे सुनने वालों, और मेरे शरीर में करंट आया, मेरे शरीर में उनकी दृष्टि ने, जब दृष्टि बनी गई तो मेरे शरीर की खून में परिवर्तन आ गया। अरे अंदर आवाज आई कि बस ठीक आ गया। लोग जाते थे बाबा जी ने मत्था टेको, कोई उधर बह गया, कोई उधर बह गया, कोई उधर बह गया। मैंने तो उनके सिर चारों में सर रख दिया और मैं ही बैठ गया। मैं नहीं उठा, बहुत जज्बा था, बहुत जज्बा था उनको मिलने का ताकि मेरी जिंदगी सुधर जाए। बस उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। आगे क्या किस्मा हुआ कि महाराज जी ने किताब में निशान लाकर रखा हुआ है कि बच्चे ने आना है और ये शब्द वो ही पढ़ेगा, और मेरे हाथ में वो किताब दे दी और कहा बच्चा ये शब्द पढ़। अब तुम इससे अंदाजा लगा लो कि बाबा फकीर क्या थे। और वो स्वामी जी महाराज का शब्द था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैंने मस्ती में पढ़ा और उन्होंने मेरे सवालों के जवाब सारे दे दिए। उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जो अब समझ है, अब समझ क्या आई, दादा दयाल जी को पढ़ा, क्योंकि हजूर मेरे बाबा फकीर जी महाराज जब सत्संग में बैठते थे तो दादा दयाल का नाम 10 बार लेते थे। दादा दयाल, दादा दयाल, दादा दयाल, दादा दयाल, दादा दयाल ने ऐसे किया, दादा दयाल ने ऐसे किया, दादा दयाल ने ऐसे किया। तो मैं कहता हूँ फकीर जी महाराज ने ऐसा किया, फकीर जी महाराज ने ऐसा किया। क्या किया निकालो शब्द, दादा दयाल जी का शब्द सुनाता हूँ आपको, पढ़ो। दादा दयाल जी के दरबार में बैठकर दादा दयाल जी की बात सुनाता हूँ कि बाबा फकीर ने मुझे कहाँ पहुँचाया। मेरा सवाल था, मेरा सवाल क्या था, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो, भटका हो जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मैं भटक गया क्या, मुझे वो रास्ता बताओ ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूँ। तो दादा दयाल जी महाराज ने एक शब्द लिखा है, किसके बारे में लिखा, अब पहले बैकग्राउंड आपको बता दो, सुन। अभी हर जगह धर्म में कहा जाता है भगवान तुम्हारे अंदर है, झूठ है, तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है। वो इतनी बड़ी हस्ती, सुनो, जितना तुम्हारा शरीर है ना, शरीर ये कितना बड़ा, पता आपको ये शरीर कितना बड़ा है, ये महल है, और अगर इसको काटा जाए ना, थोड़ा थोड़ा करके काटा जाए तो जितनी धरती है
जितनी धरती है सारी धरती ढक जाएगी जो तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है। बात समझिए, परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे जितनी जमीन है जमीन से तीन गुना पानी है, जितना पानी है उससे तीन गुना अग्नि है, जितनी अग्नि है उससे तीन गुना हवा है, और जितनी हवा है उससे तीन गुना आकाश है, और जिसने इसको बनाया वो कितना बड़ा होगा अंदाजा करो, कोई लगा सकता है साहब? वो दर कैसा, वो घर कैसा जहां में सब समाई, उस घर के किसको पता ही नहीं है, जिसमें सभी आते हैं और वापस चले जाते हैं, किसको ख्याल ही नहीं है कौन सा। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोवे पिंडे, ये ब्रह्मंड देखा, ब्रह्मंड तो सब देख जानते हैं ना, ब्रह्मंड में धरती है, जल है, सूर्य देवता की अग्नि है, हवा है, वायु है, और फिर प्रकाश है, ठीक है। तो जो ब्रह्मंड में है सो ही हमारे पिंड में है। अगर ब्रह्मंड में देवी देवता है तो वो भी यहाँ है, अगर ब्रह्मंड में नदियां नाले हैं वो भी यहाँ है। क्या कहा मैंने, गंगा तुम्हारे अंदर, जमुना तुम्हारे अंदर, सरस्वती भी तुम्हारे अंदर, जबकि बाहर सरस्वती है ही नहीं। मैं बता दूंगा कैसे। तो इस ब्रह्मंड को कोई शक्ति चला रही है ना, मेरी बात को समझ रहे हो? माताएं नहीं समझेंगी, बुजुर्ग तो समझ लेंगे, पढ़े लिखे समझ लेंगे। इतना ब्रह्मंड है कैसे चल रहा है, कोई हस्ती इसको चलाने वाली है, ठीक है। तो इस ब्रह्मंड को चलाने वाली तो पिंड में, तो पिंड भी तो ब्रह्मंड ही है, तो क्या इसमें वो हस्ती नहीं है? वो तुम्हारे अंदर है। वो कैसे है? जैसे सूरज की किरण धरती पर है, सूरज तो नहीं है यहाँ है, अगर सूर्य सारा आ जाएगा तो क्या होगा, हम सब भस्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर उस माल के कुल की एक अंश है, वो नहीं, तुम्हारे अंदर उसकी एक अंश है, उसको ढूंढना कि वो क्या है। मेरी बात को समझा? अब मैं और ढंग से समझा देता हूं। सत्संग में कहा गया जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, उन पर चलो, ये कहा। फिर ये भी कहा है कि ये जो हमारा शरीर है, या मैं कहता हूं, मैंने क्या पाया महाराज जी के पास बैठकर, उन्होंने एक बार मेरा उनसे और उनसे मेरे से बहुत प्यार था, कोई सीमा नहीं। हम जब दोनों बैठते थे तो हम कहीं चले जाते थे। एक बार कोई प्रोफेसर आए कॉलेज मंदिर में, महामारी सत्संग था, और बाकी जो प्रसाद लेके चले गए वो दो प्रोफेसर बैठ गए, वो महाराज जी से रमन ऋषि की बातें करने लग गए। प्रोफेसरों को बोलने की आदत बड़ी होती है, टिका टिप्पणी, कईयों को झूठ बोलने की बड़ी आदत होती है, कई को सच बोलने की बड़ी आदत होती है, सब आदत कोई ना कोई है, मुझे भी है, मुझे आदत है कि बाबा जी की बात करें, मेरी ये आदत है और मुझे नहीं। तो रमन ऋषि के जब वो बात कर रहे थे तो मैं भी तो कॉलेज में प्रोफेसर था, मैंने भी दखल दे दिया, मैं कह नहीं प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं, रमन ऋषि की किताब मैंने भी पढ़ी, उन्होंने ये लिखा है। महाराज जी हुक्का पी रहे थे, उनकी बात को सुन रहे थे, नहीं बोले। जैसे मैंने ये बात कही, मुझे कहते बच्चा तू भी किताबें पढ़ लेता है, पढ़ता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। मैंने कहा पिताजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं भी कभी कभी ऐसी किताबें पढ़ लेता हूँ। एक आदेश हुआ, एक आज्ञा हुई मुझे कि तूने केवल मन की किताब पढ़ना है, सुना, मन की किताब। अब मन की किताब मैंने क्या पढ़ी और कहां पहुंचा वो अब आपको मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से सब लोग। ये मेरा शरीर है, मन
अंदर जा। जब मन की किताब पढ़ने लगा तो सोचा मन कहां से आया और शरीर कहां से आया। शरीर मेरा मां के गर्भ में बना, मैं मां के पेट में उल्टा लटका हुआ था, पानी की थैली में था, टांगे ऊपर थी, सिर नीचे को था, मुझे वहां सब कुछ खाने को मिलता था ना, पानी भी सब कुछ मिलता था, जो माँ खाती थी उसका हिस्सा मुझे मिलता था, जो पीती थी उसका हिस्सा भी मुझे मिलता था, जो देखती थी उसका असर भी मेरे शरीर पर होता था, जो सुनती थी उसका असर भी मेरे शरीर पर होता था, जो खाती थी मैं सब कुछ बता दिया ना। वो कैसे था, ये नाभि मेरी जो है इसमें से एक नाड़ थी माँ के साथ मिली हुई, जानते हैं ना, वो सबकी लगी हुई थी। तो जब मैं जन्म लिया तो क्या हुआ, डॉक्टर ने मुझे एकदम सीधा किया तो मैं भी रोया हुआ, सभी बच्चे रोते ना माता, बच्चे को जब सीधा करते रोता है ना। अब मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब आप भी बच्चे पैदा करते हैं, आपके पास नानी आती है सब तरह के लेडी डॉक्टर, बच्चा रोता क्यों है। कहती सर हमें तो पता नहीं रोता क्यों है, जे नार हुए तो हम समझ लेते कि बच्चा मरा हुआ है, हम उसको रोने की कोशिश बड़ी करते हैं, ऐसे ऐसे मारते थप कभी कहते हैं कभी ऐसा करते कभी सीधा करते तो नहीं वो खत्म हो जाता है। मेरे मन ने जो स्टडी किया वो क्या मिला, क्यों रोया मैं जब लटका हुआ था मेरी सारी एनर्जी यहाँ थी, आदमी लटका हुआ सब कुछ यहाँ जाता है, जब झटका दिया तो मेरी सुर्त जो मैं हूं वास्तव में वो एकदम यहां आ गई और मैं छट गया, तब मैं रोया, बात समझ गए। और फिर देखो रखे कोई हस्ती थी जिसने मेरा मां के गर्भ में पालन पोषण किया, मुझे विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए कि कोई ताकत है जिसने मां के गर्भ में पाली में उठे मेरे बना दिया ऐसा, क्या कहा मैंने। तो जैसे ही नाड़ू काटा फिर क्या होता है, सप्लाई तो कट गई, माँ की सप्लाई तो कट गई ना, तो फिर माँ के थनों में दूध अपने आप आता है कि नहीं आता। अब क्या किसी ने माँ को टीका लगाया कि तेरा दूध आए, कुदरत ने पहले इंतजाम किया कि मैंने इसको दुनिया में भेजा है, इसका भी दांत नहीं है, इसका माँ के दूध मिल गया, तो माँ का दूध मिल गया कि नहीं मिल गया। और सुनो मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारा कोई मालिक है, तुम भटके हुए हो, तुम दौड़ते हो, वहां जाओ तो ये हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये हो, वो जिस अस्तित्व तुम्हें माँ के गर्भ में गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों बिछले, कबीर साहब कहते हैं तेरा गर्भवास में तेरा इतना उन्हें चिंता की है तो तू बाहर की चिंता करना, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को। तो मां के स्तर में दूध आ गया और जब दांत आए तो दूध भी सूख गया, के बाद भी दूध आना नहीं आना ना। एक बात आपको मैंने बता दी कि मेरे मन ने ये बात पाली कि मेरा कोई है और वो मंदिर में नहीं है, वो मस्जिद में नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, वो शायद मेरे अपने ही अंदर है और उस अंदर वाले को कोई और पीछे सपोर्ट कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। क्या कहा मैंने, सुन रहे हो बेटा, अब आगे चलता हूं। तुम खाते भी हो पीते भी हो पचाते आप हो, तुम पचाते रोटी फिर रोटी खाते हो मैं दौड़ना में फंस जाए, बताओ कुछ नहीं करते ना, भुख अपने आप लगती कि तुम लाने, भूख अपने आप लगती है, प्यास अपने आप लगती है, प्यास में दस्सी पी लो पानी बनकर निकलता है, दूध पी लो पानी बनकर निकलता है, जो मर्जी फ्रूट खाओ उन मंदिर की शान लग गया
ਉਹ ਮਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। मेरा मन कुछ भी नहीं करता इस काम में, मेरा मन कुछ भी नहीं करता, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी नब्ज भी चल रही है, मैं रोटी खाता हूँ पच जाती है, लस्सी पीता हूँ पानी बन के चल जाता है। कौन सा हर शहर अंदर बैठा हुआ जो काम कर रहा है तुम्हें पता भी नहीं है। और आखिर में कह देता हूँ, तुम सांस लेते हो, कोई माई का लाल बताए कि सांस मैं लेता हूँ, कौन सांस लेता है, लेते हो, तुम्हें पता है। तुम्हारे अंदर वो हस्ती, वो ताकत मालिक के अंश बैठी है, वो तुम्हारा इंतजाम सब कुछ अपने आप करती है। पहले ये विश्वास करो, फिर कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। गज में है दादा दादी का शब्द सुना दे, गज में है, मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको नहीं। दादा दादी के शब्द निकाल दो, गज में दर्शन पाओगे संदेह, इसमें कुछ नहीं। दादा दयाल महर्षि शब्द महाराज जी कह रहे हैं, और फिर भी हम दौड़े हुए हैं, गाड़ियां करके देवियों के दर्शन करने जाते हैं, कभी कहीं दौड़े हुए हैं। तो तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक बात और कह देता हूं, मैं कहता हूं तुम मंदिर जाते हो, जाओ, क्या तुम मंदिर में खड़े होकर मूर्ति को देखते हो? नहीं देखते ना, तुम आंख बंद करके ऐसे करते हो। क्यों आंख बंद करते हो बताओ? वो मूर्ति तो बिना बोलिया कि नहीं मैं तेरे अंदर है, इतने कुछ नहीं कर जा वापस। दादा यार मैं तो हूं गच में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको नहीं। क्या कहा मेरे दादा दयाल जी महाराज ने, और आप उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। मैं बाबा पीर की गोदी में बैठकर आपकी सेवा में आया हूं, कुछ कहने के लिए आया हूं। चार महीने सुना दे, फिर मैं उधर चलना है, क्योंकि मैंने इनको पहचाना नहीं, जाना पता ना चाहता हूं। क्या कहा मैंने मेरा निकला शब्द भूल गया, चार शब्द चार महीने सुनो दादा दयाल क्या कहते हैं। घर दर्शन पाओगे संदेह मुझे इसमें नहीं, कोई शक नहीं इस गली, कोई संदेह नहीं, कोई पूजा करने की लोड़ नहीं, कोई धूप जलाने की लोड़ नहीं, कोई ज्योति जलाने की लोड़ नहीं। अपने अंदर उसको देखने की कोशिश करो, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोई संदेह नहीं बच्चा में तेरे अंदर आए। घट में दर्शन पाओगे संदेह मुझे से नहीं, मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको नहीं। मुझे तुम नहीं ढूंढो, आगे अगली लाइन पढ़ो। खा लो भाई, रोटी नहीं खाओगे तो जान नहीं देती। क्या कहा मैंने,
रोटी खा लो तो सारी तसली हो जाती है। जो चावल खाते हैं वो चावल की तसली हो जाती है। ये शरीर जिते जिते लगा है वह मुताबिक थोड़ा शरीर वो चीज़ मांगता। पंजाब से अभी तो रोटी खाने चावल बनी कभी बहुत कभी घट करे दिवाली के मिठे चावल बना ले तो बना ले। पंजाब तो रोटी चलती है मक्की की रोटी साग चलता दाल सारिया दाला पंजाब बिखेर पसंद तो जहाँ चावल ज्यादा होते तो चावल खाने ठीक है शरीर उदा ही बन जाता क्योंकि माँ ने भी चावल खाए होंगे तो ना पुत भी उ खाऊगा। क्या कहा मैंने माँ का असर आता है ना। अब वो एक हमारा शरीर है जो भोजन से बना, एक हमारा मन है। वैसे मैं अगर मेरी बात अगर आपको समझ लग जाए मन कुछ भी नहीं है, है नहीं। जो तुम देखते हो मन बन जाता है, जो तुम सुनते हो तुम्हारा मन बन जाता है, जो तुम खाते हो वो तुम्हारा मन बन जाता है, जो तुम टच करते हो तुम्हारा मन बन जाता है। नहीं बनता। जिन्होंने मुझे आज तक नहीं देखा पहली दफा देखा वो कभी कह सकते थे कि मेरा रूप क्या है, लेकिन अब आप जब कभी घर में बैठोगे तो तुम्हें ख्याल आएगा हाँ भाई वो इतना का बंदा है, ठीक है ना। तो मन कब बना? जब देखा। मन कब बना? जब सुना। जब मन कब बना? जब खाया। जब मन कब बना? जब हाथ लगा के देखा तो इसे करंट है वैसे ही पता लगेगा। मन कुछ भी नहीं है, इसलिए संतों ने कहा तू कुछ न देख अपने आप को देख, वह मन नहीं है। क्या कहा मैंने? तू जो कुछ बाहर देखेगा जितना तू बाहर मुखी होता जाएगा तेरी दौलत लुटती जाएगी, तेरी दौलत लुटती जाएगी। तू बाहर मुखी हो गया तेन बाहर की सुंदरता ज्यादा चंगी लगी, बाहर तो कुछ भी मिट्टी है जो आज है कल को नहीं रहेगा। अब 2 साल पहले जहां यह हॉल था नहीं था ना बन गया क्या बात कहते हो। तो ये दुनिया बदलती है, तो जो दुनिया बदलती है उसके ऊपर विश्वास क्या करना। शरीर भी बदलता है इस पर भी विश्वास क्या करना, मन भी बदलता है इस पर भी विश्वास क्या करना। आगे है हमारी आत्मा वो प्रकाश रूप है जिसके कारण मेरा शरीर गर्म रहता है, गर्म रहता है। और वो क्या करता है? शरीर में जो आत्मा है वो दिल की धड़कन करती है, शरीर की जो आत्मा है वो हमारी नब्ज को चलाती है, बाकी शरीर में अंदर जो हमारा पाचन शक्ति है वो चलाती है क्योंकि वो ताकत है। लेकिन वो जो जीवन है ये जीवन है मेरा जीवन उस हस्ती के बगैर जिसको दादा ने सुप्त कहा सुप्त, उसके बगैर मेरा जीवन जीरो है। कैसे? देखो बच्चा स्कूल नहीं जाता, मामा सुप्त मेरी माता समझेगी कि बच्चा स्कूल नहीं जाता, उठता नहीं है, नहीं उठता, पतन कुछ करते भी नहीं माता हो। तो बाप कहना वो बच्चे उठा दे स्कूल का टाइम हो गया, तो माँ की कह दें वो सुर्त नहीं करता। क्या बच्चे समझ गए? वो सुर्त नहीं करता, होश नहीं करता। यह मतलब एक अलग चीज है, अलग है ना। तो वो जो अलग चीज है वो तुम हो। बेहोश आदमी बोल नहीं सकता, बेहोश आदमी सुन नहीं सकता, बेहोश आदमी हाथ नहीं हिला सकता, कुछ कर सकता है। परम दयाल जी महाराज ने इस बात को एक दफा क्लियर किया। हम चार आदमी बैठे, मैं बैठा था, मैं तो जब मंदिर आ जाता था उनके पास ही बैठ जाता था। मैं कहते मैंने उन्हें भुख लग गई ठीक है। रामदास बैठे थे और मास्टर मोहनलाल बैठे थे, एक सज्जन और बैठा था। तो महाराज ने बोला बच्चों सुनो, जीवन और है, जिंदगी और है, हस्ती और है। हस्ती वो है जो मालिक की अंश है, जो दादा ने कहा वो हस्ती है। हस्ती होती जैसे जैसे गाड़ी अगर स्टार्ट होगी चलाएगा कौन? ड्राइवर चलाएगा ना। गाड़ी स्टार्ट कर देगा कोई भी कर देगा लेकिन चला नहीं सकेगा, चलाएगा ड्राइवर। ये बॉडी हमारी ऑलरेडी स्टार्ट है, जब हमारा शरीर बन गया बॉडी स्टार्ट हो गई, जब तक सुख बीच में नहीं आई कुछ भी नहीं। क्या कहा मैंने? तो महाराज ने कहा बच्चों हस्ती और है
और जीवन और है। फिर उन्होंने हमें समझाया, क्योंकि उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ाता था लेकिन इतनी अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। माले को सबके गुरु मानता हूँ मैं, अभी मानता हूँ, वही ऐसा कुछ। तो फिर क्या हुआ, माले कहते हैं नौकरान जा रहा है सड़क के ऊपर, पीछे से गाड़ी आई, वो गिरा और गाड़ी इसके टांग के ऊपर से निकल गई, चूर चूर हो गई। वो चलाया, बचाओ माँ मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, घर वालों को याद करता ना, पापा को कम याद करता, माँ को याद करता, हाय माँ कहता ना, क्योंकि वो माँ की अंश है, बाप को नहीं याद करता, माँ ने माँ के शरीर की अंश है वो, माँ सबसे प्यारी है। ओ दुनिया वालों, ओ केड़ी माँ की पूजा कर जाने तुझे देवी देवी, क्या मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, घर की माँ ही देवी है, घर की माँ ही लक्ष्मी है, घर की माँ ही दुर्गा है और घर की माँ ही सरस्वती है, जो बच्चों को पाल कर बड़ा कर देती है। कोई कोई हो देवी होगी, किसके पीछे पड़ूंगा, घर में माँ भूखी बैठी है, बाहर होके लंगर लगा लिया, भटके हुए, इसलिए कहा घट में है, दादा दादी शब्द है घट में है, घट में घर खिलाए दे तो सतगुरु पुरुष सुजान, जो तुम्हारे घर में ही सब कुछ बता दे वही सतगुरु होता है, दूसरा नहीं। गुरबाणी कहती है हसंध्या सतगुरु पूरा पाया, पूरी पाई मत, कब जब सतगुरु पूरा, सतगुरु पूरा पाया पूरी पाई मत, हसंध्या खड़ंद्या पहनद्या पीछे पाई मुक्त, करते रहते हो वह सब कुछ मिल जाता है। क्या कहा मैंने, तो महाराज ने बोला वो रुकता है चलाता है बहुत रुकता है और लोग उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, माँ बाप आ जाते हैं तो डॉक्टर को कहते, डॉक्टर कहते हैं बच्चा देखो तुम्हारे लड़के के टांग बहुत खून चला गया, दो काम कर सकते हैं, या तो टांग काट दो बच्चा बच जाएगा, अगर टांग नहीं काटी तो ये मर जाए। तो माँ को तो बच्चा प्यारा होता है ना, कहते टांग काट, फिर क्या करते हैं वो, क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो इंजेक्शन देने से जो हस्ती है हमारी जो यहाँ से निकल कर वापस चली जाती है यहाँ, और शरीर को जो मर्जी करो, क्या कहा मैंने, चलो एक फिर और समझा देता हूँ। बच्चा जब पैदा हो जाता है बिस्तर पर थोड़ा हिलन जो छोटा बच्चा, तो वो बिस्तर पर लेट कर क्या करता है, देखा कभी गौर से, हाथ पाँव मारता ना, कभी लत्ता मारता कभी हाथ मारता, ऐसे करता ना, तो माँ देख के बहुत खुश होती है, होंगी ना, क्यों मारता होता है, क्योंकि वो जो ताकत यहाँ है वो सारे शरीर में उतर आए, वो सारे शरीर में चल जाती है खून के साथ, और फिर वो खड़े होने लग जाता है, फिर चले लग जाता है, किसके कारण, क्योंकि वो ताकत हमारे सारे शरीर में है। क्या कहा मैंने, तो वो ताकत जो है इंजेक्शन से वापस चल जाती है, मुझे टांग काट देती है, और बोलना बंद हो जाता है। मेरी बात समझ रहे, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, अब मैं क्या कहूँ आपको, कि जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो मालिक के साथ मिले होते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं, अब इनका अनुदाता जाते भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में भरोसा तेरा है। दादा जान कहते हैं किसका भरोसा, किसे मंत्र ना नहीं यहाँ है उसका भरोसा, दादा जान वो मैं तुम्हें बता दिया कि तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम मन तो हो ही नहीं, मन ने तो तुम्हें भरमाया हुआ है, साधो कभी सब साधो ये मन है बड़ा जालिम, जाचो इनसे काम पड़े हुए ताको ही है मालूम। बाबा फकीर जी कहा करते थे बच्चों मन के साथ सवेरे उठ के कबड्डी खेला करो, मन के साथ सुबह के कबड्डी खेलिया करो, कि मतलब मेरा अंदर अंदर
जो दादा ने तुम्हें नाम दिया। मैं कहा था गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। मैंने उस बात को पकड़ लिया और मन कहीं भी नहीं मिला। और कौन मिल गया? मेरा अप्पा ही मैंने मिल गया। हुआ माई एक चैतन्य का बुलबुला हो, चैतन्य का बुलबुला देखा। गुरबाणी कहती पानी केड़ा बुलबुला इस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा कि उतारा प्रभात। जैसे सुबह का तारा नजर आता है थोड़ी देर के बाद वो जैसे सूर्य निकलता वो गुम हो जाता है। क्या कहा मैंने? इसलिए हमारे अंदर एक चेतन की शक्ति है, उस चेतन की शक्ति को पहचानो। बाकी कितने जानते हो नहीं है तुम, तुम्हारे अंदर 10 दरवाजे हैं, 10 मूलाधार से लेकर मूलाधार में इंद्री हुई, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, ये 10 है मिला लो टोटल सारा। एक 10 9 ये है, 10 9 एक द्वार अंदर है, उसको खोल दो। वो खोलने का काम जब गुरु की दया होगी, जब तुम्हारे अंदर जज्बा है। तुम्हें तो दुनिया ही नहीं छोड़ती, तुम्हें राजनीति ने खत्म कर दिया, तुम्हें दुनिया के झगड़ों ने खत्म कर दिया, तुम्हें अपना तो कभी प्यार है, आपको तो अपने से प्यार ही नहीं है। क्या कहा? जिन प्रेम की हो तिन ही प्रण पाए, अपने अंदर प्रेम करो। बाहर प्यार है, बच्चों से भी प्यार करना है। क्या मैं नहीं करता हूँ? मेरे भी बच्चे हैं, मेरी बहुएं हैं, मैं सबके साथ प्यार करता हूँ। मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी पूरी करता हूँ। उनके नहीं के तुम लड़ोता झगड़े करो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहा मैंने? जिस घर झगड़ा है, जिस घर मियाँ बीबी की नहीं बनती, उनके बच्चे भी निर्लायक हो जाते हैं। जिस घर के माँ बाप ये कहा करते थे जिस घर कला कलंदर बसे तिस घर कढ़ो बाड़ी बसे, वो वहाँ कभी तरक्की नहीं होगी, तरक्की वही होगी। और सुना देता हूँ क्या निकला आगे है। एक विधि है, विधि आप रामायण भी सुना होगा। रामायण में लिखा है फिर भी लोग नहीं हटते, लिखा नाच टले मिटारा भाभी को मिटारा, लिखा है ना। तो फिर सुंदरकांड को तुझ पाठ कर लोगे तो पार हो जाओगे, बच जाओगे। क्या कहा मैंने? जब लिखना है कहता कि लिखा नाच मिटे मिटारा, चाहे मंदिर जाओ जितने मर्जी जाओ। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस की शुभ रखा मिलेगा। इसलिए क्या कहना चाहता हूँ, जो भी कर्म करो तुम्हारे लिए एक नुकता दे रहा हूँ, उस कर्म को मालिक का कर्म समझ के करो, अपनी नीयत साफ रखो। जे ना हो कि मेरा बन जाए तो दूजा बर्बाद बर्बाद हो जाए ना। मैं जिंदगी में जो किया ये भी मेरी दाता की ड्यूटी है, मैं इसको सिंसियरली करता हूँ। दादा ने ड्यूटी दी है सच्चे दिल से करता हूँ। और ये चाहता हूँ कि तुम सब सुखी हो जाओ, तुम्हारे अंदर के धर्म दूर हो जाए, तुम्हारे अंदर प्यार पैदा हो, तुम्हारी जिंदगी सुखदायक रहे, तुम्हें कोई रोग ना लगे। बंदे को रोग लग गया हो तो नाम नहीं जप सकता। क्या कहा मैंने? पेट न पहिया रोटियां सबे करना खोटियां, पहले रोटी खमाओ तो रोटी कमाओ। ये लड़के मेरे पास आते हैं बाबा जी नामदान, तेरे लिए नामदान पढ़ना, पढ़ो ब्रह्म बनो। बाबा जी कहा करते थे, मैं 12वीं से पढ़ता सी 18 साल का, मैनू तो बाबा जी ने कहा नहीं तुम्हारा मेरे को बहना बच्चा तेन मैं कर देगा। बच्चा पढ़ो ब्रह्म बनो, पढ़ो बढ़ो जितना पढ़ सकते हो, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करो, बड़े अफसर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो। बना दिया मुझे सब कुछ बना दिया और कोई कमी नहीं रहने दी। तो और दूसरी बात यह तो मैंने कभी मांगा नहीं दाता से, कभी पंडित जी मारे को नहीं कहा महाराज मेरे लिए तकलीफ है आए कुछ नहीं। वो जानते थे, सब कुछ जानते थे ना। उन्होंने मुझे पूछा तू कहाँ से आता है ना, मैंने बताया। लेकिन सारा प्यार इतना सी बच्चा मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे पास जहाँ मेरी पोस्टर होती थी वहाँ चले जाते थे। क्या कहा मैंने? तुम डिमांड करो गुरु तो कभी करता हो रहा ना। क्या कहा मैंने? क्या बात कर रहा था मैं?
सत पढ़े शब्द पढ़ो वचन। अब मैं आपको दादा दयाल जी का आखिरी शब्द सुना देता हूं, और किसका भरोसा करना है, किसको याद करना है, किसकी आरती करनी है, किसके लिए धूप जलाना है, पढ़ो। भरोसा तेरा शुक्र किया करो दाता, आपने मुझे नया चप्पल दे दिया। नया जीवन होता है ना, सुबह उठते तो नया जीवन है कि नहीं है। शुक्र करो कह दाता मेरे सच्चे पातशाह, तुमने मुझे जगा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शरीर से मैं अच्छा कर्म करा, ये आंखें बुरा ना देखे, ये कान बुरा ना सुने, ये जबान से कोई शब्द ऐसा नहीं निकले कि किसी का दिल दुखी हो, जो तुम्हारी पूजा हो गई। ऐ मालिक सबका भला हो, तुम्हारी पूजा होगी कि नहीं, इससे ज्यादा क्या करने की जरूरत है, पखमंडल लेके जाना कि उठो नहाओ धो, खाना आ गया, किसने दिया खाना, मालिक का वो प्रसाद है, मालिक को साथ लेकर खाओ खाना, मालिक आपने भोजन दिया ये मैं खाऊं, मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, मेरे शरीर की नस नाड़ी में आप जाए, अंदर कोई बुराई न पैदा हो, इस भोजन को खाकर मेरे शरीर को ताकत मिले ताकि मैं कोई अच्छा कर्म कर सकूं। क्या कहा मैंने, और जब खा लिया फिर उसका शुक्र कर लो, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी संतुष्टि हो गई, मेरा शरीर सुखी हो गया। नाम जप ले कि नहीं जप ले, जप रहे हो ना, जब उसको खाने पर भी याद कर लिया, खाना खाने के बाद भी याद कर लिया, याद कर भी याद कर लिया, फिर काम पर गए, मैं तेरे काम पर जा रहा हूँ, मैं चला हुशियारपुर से मालिक को साथ लेकर चला, मैं आपकी ड्यूटी करने जा रहा हूँ दादा, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, आपने करना, तो हो गया उनकी सेवा में, जाऊँगा वापस जाके धन्यवाद कर देना, मालिक पर आ गया, सारा काम ठीक करके आया, मैं कुछ नहीं लेके आया, कोई लालच नहीं मुझे, मैं किसी से कुछ नहीं लेता, मेरी बात समझ गए, तुम काम कर दिया उसके नाम पर तो तुम बुरा करोगे नहीं, तुम्हारे अंदर एक शक्ति बैठी हो कहेगी ठहर ठहर इन करना, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं, मैं न काशी मैं न मथुरा मैं न गिर कैलाश हूं, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया, तेरे दिल में सच्ची आस मैं हूं, एक आस और एक विश्वास, क्या कहा मैंने, एक आस और एक विश्वास, एक पर टिक जाओ, दो पर ले, दो पर ले, और इसलिए कबीर साहब का मेरा शब्द सुना रहा था, उन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही, हमन है इश्क मस्ताना हमें दुनिया से जाने क्या, क्या कहा उन्होंने, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमने हमन को इंतजार ही किया, कबीर साहब ने फैसला कर दिया, लेकिन तुम उसको पहचानते नहीं हो जो तुम्हारे अंदर है, तुम तो बाहर पूजा करते हो, बाहर क्या कुछ भी नहीं, मिट्टी का बनाया हुआ है सब कुछ, और किसने बनाया, आदमी ने बनाया, मूर्ति आदमी ने बनाई ना, तुम्हें किसने बनाया, मालिक ने, तो जिसको मालिक ने बनाया वो बड़ा हुआ कि जिसको आदमी ने बनाया वो बड़ा हुआ, सोचो मेरी बात, कबीर कहता आय आय अन खड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, तेन के बनाया नहीं है, अन खड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, घड़े देव को सब कोई पूजे नित ही लाए मेवा, मूर्ति बनाती घड़िया उन सारे मनते हैं, और कपड़े भी बनाते ये भी करते सब कुछ ड्रामा करते हैं, क्या बात क्या हमें, वो आपके अंदर है, वो आपके घट में है, कैसे मित्र कहते हैं मैं तेरा ही विश्वास है, तेरा ही भरोसा हो किसी का भी, आगे बढ़ो, यही है जताने और यही काम मेरा,
अधूरी है उसी दुनिया के लिए, मेरे मन में कुछ भी और नहीं है। कहते हैं, कहा जाता है हम दुनिया में कि आपके पांच पांच आपके शत्रु हैं बड़े, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और पांच। कहते हैं ये गलत है, कोई माई का नाम मुझे बता दे कि उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो गया, हो नहीं सकता। उनके उनका मतलब तो समझो कि क्या है वो काम, क्या है कामना इच्छा, वो शरीर की इच्छा भी हो सकती है, वो रोटी की इच्छा भी हो सकती है, वो चाय की इच्छा भी हो सकती है, वो पानी की इच्छा भी हो सकती है, वो माँ को मिलने की इच्छा भी हो सकती है। तो क्या हम उसके बड़ी हैं, है बड़ी ऐसा भी पूछो जरा। हाँ, क्रोध, क्रोध क्यों आता है? क्रोध तब आता है जब हम ये चाहते हैं कि घर का मेंबर या मेरे अधीन कोई भी मेरे अनुसार काम करे। क्या कहा मैंने बच्चे को, कहा बच्चा ये काम कर लेना, वो नहीं किया तो गुस्सा आएगा कि नहीं आया? फिर पत्नी के थोड़ी नमक पै गया ज्यादा सब्जी च तो गुस्सा आ जाता, आंदा कि नहीं आंदा? जे पाया नहीं कल भी तुम गुस्सा कर दे, वो तुम एक ढंग बंदा कह बेटा बहू ने रोटी बनाई, बेटा अज तक तो भुलता नहीं गई, दोबारा नमक पाता, ये भी तरीका है। तो कुछ पिता होगा गुस्सा सुन ना, पानी का गिलास आया अद्धा आया तो तुम कह सकते कोई घर हमें सिर मारना अद्धा गिलास पानी का, मैंने प्यास बहुत लगी है गुस्सा आ गया ना, तो पहले लगी आप अंदर होर लग जाऊंगी। जे तुम कहो बेटा थोड़ा पानी मार दे, मुझे प्यास ज्यादा लगी, क्रोध रहेगा, तुम पैदा करते हो क्योंकि तुम कहते हो कि जो मैं कहता हूँ वही माने लो, ये कभी होगा नहीं। और आजकल के बच्चे हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनके गुस्सा बिल्कुल ना करो, उनसे प्रेम से बात करो। काम क्रोध दो बातें, लोभ, लोभ क्या है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, नहीं, इसको संतोष में बदल दो। संतोष हो गया, लोभ खत्म हो गया। लोभ तो तभी है ना, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, तो उन्हें चला लो ना कि तू मैंने बहुत कुछ देता है, खाने को रोटी मिलती है, घर में पानी मिलता है, बहुएं अच्छी हैं, पत्नी सेवा सारे सेवा करते हैं, मैनू होर की चाहिए, मैनू जो कहा नहीं चाहिए। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साथ में भूखा ना जाए। ये है रहनी, मैं रहने की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए कहा ना कि बताइए लोग रहता है मोह, मोह किससे करना, मोह उस चीज से करो जो हमेशा रहने वाली है। कुछ चीज रहने वाली है जिससे मोह करोगे, अगर वो तुम्हारे आंखों से दूर होगी तो तड़पोगे कि नहीं तड़पोगे? ये संसार क्या है? सपना है, सपना है और कुछ भी नहीं। मैं आप हंसेंगे, आप हंसेंगे, मैं बात बताता हूँ। मेरी पत्नी ने 2017 में शरीर छोड़ दिया, बहुत नेक थे, बहुत अच्छे थे, मेरे साथ मंदिर जाते थे, महाराज जी की बहुत सेवा की उन्होंने, और उसको ज्ञान था पूरा, उसने पहले बता दिया कि अब मैं चल जाना, मेरा दुनिया में दिल नहीं लगता, मैं समझ गया। एक दिन शाम को बच्चे बैठे, पोते पोतियाँ बैठे सारे, मैंने कहने दादा जी तुम कभी दादी जी भी याद आई? बच्चे कहते मैं बात सुनाने लगा हूँ, मैं क्या बेटा हंसोगे कि नहीं? कहते नहीं दादा जी। मैं क्या हाँ आई थी, याद आई थी, कहते की गल हुई? मैं क्या तुम मैं गल दस दें, मैं दो तीन सत्संगों में ये मैं दर्शा, मैंने कहा हमारी बात हुई, मैं उड़ गया, तुम्हें याद होगा कि हम तुम मिले थे मोहब्बत की राहों में, मिल के चले थे, तुम्हें याद होगा कि हम तुम मिले थे मोहब्बत की राहों में, मिल के चले थे।
वाली दादी ने मैनू जवाब दिता। दादा जी क्या हमारे पास कमरा है
गवर्नमेंट ने दिया हुआ। हमने भी चार महीने फिर चल पाना असी कमरे से सौने का बाचे सौने का उपर साढ़े कमरा दो बैड लगे हुआ चौकीदार हैगा तो तुम रात उत्थे रहना भोजन भी मिलेगा सुबह नहाने पानी भी मिलेगा फिर तुम कॉलेज चल जाना तुम अपना अटैची भी भवें इतने रहन देना कॉलेज ज्वाइन करके फिर जिते भी जाना हो चल जाना ले बस जाके खड़ी उन्हें मेरा अटैची चुके आपे उपर दे गया चपड़ वो चौकीदार पर उन्हें पहला पता हों भी माणी हूँ बस वो कहना देख बई ये बहू जी साढ़े मेहमान है इन्हें सवेरे कॉलेज जाना तो तू ख्याल रखी और खाना लिया के खिला दी पहला हाथ मुँह धोआ कड़ा पानी दा गया हाथ मुँह धोता रोटी आ गई खा ली सवेरे फिर नहाँ पानी आ गया चाह भी पिलाती आप जाके कॉलेज ज्वाइन किया हूँ दसो मैं उन्होंने कैस पर तू आई मेरे को मासी का मुंडा सी मेरी जिंदगी ऐसी एग्जाम्पल से फुल है जहाँ मैंने कुछ नहीं किया मैं आज भी कहता हूँ मैं आज भी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं जहाँ बैठा हूँ मैं कोई संत नहीं हूँ कोई साधु नहीं हूँ न गुरु हूँ मैं बाबा फकीर के जो शिष्य हैं बाबा फकीर के जो आशिक हैं दादा दयाल जी महाराज को जो प्रेमी हैं आशिक हैं मैं उनका सेवक हूँ मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हें भी वो भेद पता लग जाए जो मुझे मिला गुरु के पास जाने का जब गुरु मिला तो कहा कमाना हो गम चिंता गुरु मेरे संग सदा है नाले वो उनकी वाणी मेरे साथ रहती है मुझे क्या चिंता किस बात की मन कभी कभी मारता है आपको बता देता हूँ सुपने में मारता है दिल को तो मैं चुकन्ना रहता हूँ इसका प्यारा करता रहता हूँ फिर नहीं इसको देखता है तो ये बता रहे हैं क्या दलदल में नहीं पड़ रहा खुले आँख से
तू मरन तो पहला किन्ने सह ले लेगा कोई गरंटी कहते महाराज जी वैसे तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता थोड़ी संगत च रही रात दस के साल तो मैं ले लेने दस सह लेना कहते बहुत अच्छा तू बड़ा मुबारक आदमी है। फिर मरदाने ने पूछा मरदाना तेरा की ख्याल है कहता महाराज जी मैं तो बाले का गरीब कर मानता मेरा ख्याल है मैं पांच के साल ले सकता फिर मैं शीर्ष चलो गल खत्म हुई दोनों ने सलाह ली हूँ बाबा जी भी पूछ लीए उन्होंने कहते महाराज जी असी तो दस दिता तुम भी दस दो थोड़ा की ख्याल है कहते देखभाल मरदाना भी तुम तो मेरी संग च रह के काफ़ी कुछ सीख लिया पर मेरा तो यह है कि जोड़ा सलाह चला गया मैं नहीं पता आना कि नहीं आना जो चला गया उनकी आना या पता आना कि नहीं आना बात समझ गया ना तो हम शरीर से बनते हैं दादा जान कहते हैं मैं कुछ भी नहीं बना आगे बढ़ो लाजोगी बना शरीर धारण करने तो पहले की रूप से साडा किसी को पता सुरत रूप में थे हम और जब चोला छोड़ेंगे फिर क्या बनेंगे वही फिर बन जाएंगे जहाँ से धार आई थी वही धार वापस चल जाएगी तो जो मन में फंस जाएंगे वो कहाँ जाएंगे वो वहाँ नहीं जा सकते जो कुछ बनते हैं। दादा फरमाते थे परमदया जी मेरा बेटा जो कोई बनेगा वो टूटेगा हम है ही कुछ नहीं चेतन का बुलबुला है दादा जाने भी चाहिए कहा फिर पढ़ो यही लाए जो था पहले तो भी वही रूप मेरा न व्यापार मुझे काल काहे अपने हमें कोई चीज पकड़ नहीं सकती है ना जम है ना धर्मराज है ना जमराज है ना पाप है ना पुण्य है ना अच्छाई है ना बुराई है कुछ भी नहीं है वहाँ केवल आप हैं और आपका मालिक है वहाँ प्रकाश है और शब्द है और तुम उसको देखने वाले हो तुम ही उसको सुनने वाले हो और वो प्रकाश भी शब्द भी तुम्हारे अपने ही सुरत का है। क्या कहा मैंने इससे ज़्यादा मैं और क्या आपको कहूँ। इसलिए संतों ने कहा भाई साधन करो नाम का सिमरन करो और नाम क्या है मैंने तीन दफा बोला राधा स्वामी पहला शब्द राधा स्वामी मेरे शरीर में है दूसरा शब्द राधा स्वामी मेरा मन का सहारा है मन को सहारा चाहिए ना मन को जैसे रोटी शरीर के लिए सहारा चाहिए ऐसे ही मन को सहारा चाहिए किस चीज का नाम का राधा स्वामी मेरा शरीर है राधा स्वामी मेरी सुरत है मेरी जो आत्मा है प्रकाश है वो भी राधा स्वामी क्योंकि वो भी वहाँ से आए और अंत में इनके ऊपर एक और बड़ी चीज़ है जो मैं हूँ और तुम हो सब में वही है माताओं में बहनों में बच्चों में सब में वही है जीव जंतु में भी वही है लेकिन हमारे को गुरु मिला उन्होंने क्या दिया ज्ञान दिया विवेक दिया समझ दी समझाया प्रैक्टिस करवाई बता दिया बच्चा तुम ये नहीं तुम ये है क्या तुम क्या हो तुम माल के कुल की अंश हो तुम संत ना बनो तुम महात्मा ना बनो तुम उसकी अंश बनो तुम्हारा काम सारा हो जाएगा। जब तुम मन में आकर कुछ बनते हो तो फिर बने रहो जन्म लेते रहो ठोकरे खाते रहो भाई हम तो आए हैं वापस जाने के लिए दादा दयाल शहर हो गया हूँ पर ना कह हो न चल गया यही नहाए सुबह उठकर नहाए और एक मन दूध मंगवाया उसके साथ स्नान किया फिर शरीर साफ किया और चद्दर ओढ़ी और बैठ कर उड़ गए ये स्थान वो स्थान है ये स्तंभ जो बना है ये परमदयाली महाराज ने बनवाया था मैं मुझे याद है महाराज जी आप कैसा भेजा करते थे वे स्तंभ बना लो इतना ऊंचा उसके ऊपर ये लिख दो वो लिख दिया क्या कहा
नहीं सोती, तुम्हारा सांस चलता रहता है, तुम्हारी नब्ज चलती रहती है, तुम सोए हो तुम्हें पता है। तो कहते मैं तो मेरी जो सुरता वो नहीं सोती, वो हर वक्त मेरा ख्याल कर रही है। वो जो मेरे अंदर है, जिसके बारे में कहा भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन, इसको कहा जो तुम्हारे अंदर है। वो दूर जो बैठा उसको नहीं कहा। पंड्या जी महाराज को दाता जा मन दाता घुमाया करते थे कि दाता जा मुझे लिखते थे फकीरा, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। पंड्या जी महाराज हमें सुनाया करते कहते मेरी बात समझ में नहीं आती थी। मैं समझता था कि मैं ध्यान करता हूँ, दाता के दर्शन कर लेता हूँ, वो दाता जा तो मेरे अंदर है। लेकिन दादा ने फिर मुझे समझाया कि नहीं, वो मन का खेल है, तू जो अंदर देखता है वो सारा तेरा मन है और कुछ नहीं, मन से आगे है। हमारे दादा पंड्या जी महाराज करते थे अंग्रेजी में, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, तीनों से परे, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सदगुरु कर जीना। तीनों को छोड़कर जब आप चौथे में पहुंचोगे, शरीर को भूल जाओगे, मन को भी छोड़ जाओगे, आत्मा से भी ऊपर चले जाओगे, तो वहां तुम्हारा सदगुरु इंतजार कर रहा है। क्या इसलिए दादा दादा कहते मैं कुछ नहीं बना, क्या ना सोया ना जाएगा ना शिष्य पति में जाए, फिर आगे ऊंचा है, मगर ये बात बहुत ऊंची है। शायद दो चार सत्संग मेरे सुन लोगे, मेरे बाबा को सुन लोगे तो शायद बात क्लियर हो जाए। पहला शब्द है, पहला शब्द क्या है, पहला शब्द क्या है तुम्हें देना चाहता हूं, एक को मान। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिससे तुम सलाह कर सको, जिससे तुम हित ले सको, जिससे तुम आशीर्वाद ले सको, जो तुम्हें ठीक रास्ते पर ले जाए उसको मान। मूर्ति तुम्हें गाइड नहीं करेगी, कोई बड़ा आदमी बैठा होगा उससे सलाह लोगे वो बता देगा। क्या कहा मैंने, एक को मानो और जो वो हदायत दे उस पर चलो, एक बात। दूसरी, अगर उसने आपको नामदान दे दिया, वैसे तो तुम लोग बड़ी आसानी से किसी नाम से भी उसको याद कर लो, मालूम मैं नहीं कहता, फिर जरूरी यही नाम जो मेरे बाबा की कीमत तो हमें आजाद कर दिया। माता सब राधा सुनवर ने लिख दिया, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले, राधा स्वामी नाम जो गाय सोई करे, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे, ये लिख दिया उन्होंने। लेकिन क्या सभी राधा स्वामी का मतलब समझेंगे, राधा आदि सुरत का नाम, वो सुरत जो हमारी वो धारा क्यों बनी, वो धारा से आई, उस मार की कुर्सी को लख आकाश आकाश लख पताना पताल कोल कोल भारत के वेद कैंट पार सहस अठारह कैंट देवक असूल इकदार लेखा हुए थे लिखे लिखे हुए बना गुरु नानक ने कह दिए। क्या उसका अंत नहीं है, कितने आकाश है, उनसे ऊपर से धार आई, नीचे धारा आई, यहाँ आई, यहाँ यहाँ से मैं यहाँ आई, फिर मन में आए, फिर चित्त में आए, फिर बुद्ध में आए, फिर बॉडी में आए, और सारे शरीर में वही तो है। इसको किसी से वापस करना है तो फिर क्या बनेगी, राधा धारा की राधा बन गई, उल्टा करेंगे तो, उल्टा करेंगे तो राधा बन जाएगी ना, तो राधा किसको याद करेगी, स्वामी को। राधा आज सुरत का नाम, स्वामी आज शब्द पहचान, वो तुम्हारे अपने अंदर है। वो कहता आ जा मैं बैठा, समझ गया मेरी बात को, ये नहीं ब्रह्म माया का है बंद मुझको, न उलझा सका कर्म का अंत भोगो। सुर तुम्हारी कोई कर्म नहीं करती, कर्म मन करता है, मन ही हमें गलत रस्ते पर लगाता है, मन ही हमारे अंदर फिक्र पैदा करता है, मन ही हमारे अंदर लालच पैदा करता है, मन ही वो पैदा करता है
किसका करना है जो इन चीजों पर निकाल दे, क्या कहा मैंने, बात समझ रहे हो आप? तो ये सत्संग है जिसके बारे में सत्य की बात कर रहा हूं कि सत्य क्या है। सत्य तुम हो, तुम कौन हो? शरीर नहीं हो तुम, मन भी नहीं हो तुम, आत्मा भी नहीं हो। तुम्हें शरीर जो मिला तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार मिला, जैसा कर्म करोगे उसका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। कोई संत बच नहीं सकता, जो जो कर्म करेगा तुम्हें भोगना पड़ना। राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, ऋषि नहीं बचे, देखो जनाते हासिल करकर गुरु नहीं बचे। तो हम किस बात की बोलिए, सिर्फ कर्म। परम दया जी महाराज ने अंत में एक शिक्षा दे दी लिख कर जब वो इस वर्ग में गए कि ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, ये तेरी मदद नहीं करेगा। तेरी मदद कौन करेगा? तेरी मदद तेरा कर्म करेगा। और कर्म करो, अपनी नियत को साफ रख के करो। ये ना हो कि मेरा काम हो जाए ये रह जाए, फिर तुम्हारी नियत ठीक नहीं। इसलिए निस्वार्थ होकर दुनिया में काम करो, निस्वार्थ होकर जिस भी काम को कुदरत ने दिया है उसके निमित्त होकर करो। कोई घाटा नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई चिंता नहीं आएगी, क्योंकि वो काम तुम्हारा है ही नहीं। हम सरकार में नौकरी करते थे, कॉलेज में पढ़ाता था, तैयार होके जाना, चार पीरियड आए, घर आ गए, आराम से सो गए, कोई चिंता कोई नहीं, अपनी ड्यूटी कर ली। कभी कोई लड़का मेरा अपने 32 साल पढ़ाया कोई फेल नहीं हुआ, रिकॉर्ड है। मैं मांग नहीं करता क्योंकि मैंने प्रयास किया उन बच्चों को, उनको उठाया मैंने, उनको तरीका सिखाया हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। मैं एक शादी में गया, मेरी पहला रामपुर शहर में मेरी कोशिश थी, वहाँ से आया तो मैं शादी में गया हमीरपुर, तो लोग खड़े थे। मैं भी प्रोफेसर था, सूट बूट टाई शाही लाई थी, सी है ना, पूरा टॉल रखी था। तो लड़का देख रहा था उससे, बड़ी देख देखता रहा, फिर वो आए गया मेरे पास, आके मेरे पाँव छुआ, कहते सर आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं क्या बेटा, पता नहीं लाखों लोग पढ़ गए बच्चे, कहते मैं डॉक्टर हूँ सर, आपने हमें वहाँ पढ़ाया था रामपुर शहर में, तो आपके शब्द मैंने भूला, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हूँ, बात समझ गए। तो विश्व के जो मेरे हिमाचल के यहाँ के बच्चे हैं यूपी के, जो ऐसे फिर रहे हैं घूम रहे हैं, वो पढ़े, जमीन है तो जिम्मेदारी में काम करे, जिम्मेदार में पढ़कर तरक्की करे, जमीन में सब कुछ है। क्या पंजाबी में वे कहते थे, क्या थी वो पंजाबी में, उत्तम खेती, उत्तम खेती, उत्तम खेती नहीं, क्या कहते थे, उत्तम खेती मध्यम, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, निखिल नौकरी खेती सब तो बड़ी है, व्यापार नहीं दूसरे नंबर पे, ते नौकरी किया। मेरा छोटा बच्चा दूसरे नंबर का सी ना, ते जो बी ए कर ली उसने, मैं बेटा हूँ तो एम ए ज्वाइन कर ला, कहते जी एम ए करके प्रोफेसर बनाना मैंने खुशी, और 25 डिग्री होता थोड़े पैसे खर्च हो जाते हैं, कहते 25 डिग्री होता थोड़े पैसे खत्म हो जाते हैं, इन तनखा लेते लेते। मैं तो बिजनेस करना, मैं क्या करना, मैं घटिया नहीं कर दूँ, पैर कर मेरे चालू महाराज ने याद किया, और बड़ा आनंद है, बड़ा कुछ है, अपने बच्चे बड़ी बढ़िया कमा रहे। वो कहा करता था मेरा बेटा, जिन्हें की थी शर्म, जिसने की शर्म उसके फूटे कर कोई शर्म नहीं। आपको मैं हरा हूँ, हमारे यूपी से बिहार से लड़के गए हुए हैं, उन्होंने सब्जी की दुकानें डाली हुई रेडियो, और शाम में 2-2 हज़ार रुपये चुपा के जाते मोटरसाइकिल रखे हो, कल्याण को बढ़िया बढ़िया टेलीफोन, इतने थोड़े बंदे धक्के खाने पड़ते। क्या काम है, काम करो। हर किस वर्ष मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, किसी ने घर से मैं कोई मूर्ति नहीं देखी, हाँ बाबा फकीर नहीं देखी जिन्होंने प्रेमी, उनका काम ही हर किस वर्ष काम ही पूजा ही, पेट न पैया रोटियाँ सभ्य गल रोटियाँ। क्या कहा मैंने, अजीब शब्द पर सहारे
कोई भी कर दे, उसका काम है वही परमात्मा है, हम कौन होते करने वाले, वही बुलाता है क्या बजा बंद कर देना, रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो क्या करना, नेक रहो, अच्छे ख्याल रखो, तुम्हारे अंदर है सब कुछ, उसकी खोज करना शुरू करो तो मिल जाएगा, चाहे कोई माता है, चाहे कोई पिता है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई बच्चा, पढ़ने वाले पढ़ाई में ध्यान दे, काम करने वाले काम में ध्यान दे, खूब कमाओ, किसी के हाथ ऐसे ऐसा ना किसी के हाथ करो ऐसा ना, मेरे हमारे दादा पिता ने सिखाया है ऐसे ही करो, बस ऐसे करते कभी ऐसे किया ही तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ कह दिया है, तो चलो बचा सकते हो, मैंने रहने की भी राज बता दिया कैसे रहना है, और मैंने सहनी से बाहर भी जाना बता दी, दोनों बता दी, मैंने स्वार्थ भी बता दिया और परमार्थ भी बता दिया, जिंदगी कैसे जीनी है, प्यार दो गाली दो गाली मिलेगी, मेरी बात सुनिए, तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलना है, शांति रखो, बच्चों को पालो, अच्छे ध्यान से मारो, उनको देख पढ़ाओ, उनको कभी बुरा ना कहो, बच्चों को बुरा कहोगे तो उनको ढंग से संस्कार दिए जाते हैं, बात सुनोगे, ऐ दादा तेरे दरबार में आया हूँ, बाबा पीर के दरबार से एक इच्छा एक संकल्प करता हूँ, एक संकल्प किया मैंने तो दादा पुण्य में कि यहाँ हार होना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, पैसे देने वालों ने मुझे पैसे काम में तुम मांगो मिलेगा, अच्छे काम के लिए मांगो, अपनी जेब के लिए ना मांगो, मुझे मिलते हैं भूखा मिलता है बांट के खा लो, ठीक है, मेरा बहुत बहुत प्यार, दादा के दरबार से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सब सुखी रहो, मैं सबको हंसते हुए देखा, सबको खेलते हुए देखा, आपके घरों में शांति रहे, आप कहें कि हमने एक सत्संग सुना था, हमें कुछ मिला मिला मिलेगा, तुम ले जाओ, तुम लेने वाले हो, मैं देने वाला नहीं हूँ, देना तुमने दे सकते हो, भर लो अपने महाराज जब ऐसा कहा करते थे तो मैं तो इतना मैसेज डाल देता ना, ये से बात मुझे कोशिश चाहिए, आप चाहिए आप चाहिए, आप तो मिल गए, ठीक है, आप सबका भला हो, आपके बच्चे तंदुरुस्त रहे, आपको खाने को रोटी अच्छी मिले, आपको शरीर तंदुरुस्त मिले, आपके घर में शांति रहे, रेलवे पैसा मकान मिले और गाड़ियाँ भी मिलती है तो मुझे